और सिवान से जहां सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के चक्री गांव में सोमवार की देर रात बाइक से ले जाकर अधेड़ की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हत्यारे फरार है। वहीं मृतक की पहचान चक्री गांव निवासी 50 वर्षीय हरेश राजभर के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप था कि मृतक अपने घर पर खेत से आकर बैठा हुआ था, तभी गाँव के कुछ लोग आए और मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। वहीं जब उनको पता चला तो परिजनों के द्वारा आनंद फानन में गए कि उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जाकर देखने पर पता चला कि मुंह को गमछे से बांध दिया गया है और उसके सिर, सर, आंख और शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। परिजनों के चिल्लाने और शोर मचाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं परिजन जब तक उसे अस्पताल ले जाते उससे पहले ही अधेड़ व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष रोशन कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। जो भी इस घटना में शामिल अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मारने के पहले सर जितना केस हो रहा है ना, तीनों घर का इसका पहले मार के सारा घर ताला मार के भाग गया। लड़का बच्चा इतना बच्चा था, वो सब भाग गया, कोई नहीं। सर हमारी जमीन खा ले बारह सौ, जमीन के बाद छोड़ो, जमीन के बाद घटना लगा बारह सौ। आगे बातें छोड़, घटना के बाद जब खेत में रहता रहना तो कांटा बंदूक लेकर चले जाते, पुलिस बचा रही है। दरौली थाना पर पुलिस घुस का लो, घुस देता था, पुलिस ना आता था। पुलिस के पास आप कंप्लेन किए थे इसकी? सर जी मैंने कंप्लेन किया, हम बा बेटा धान पटा रहे खेत में, एक हाथ में इतना बड़ा तलवार, एक हाथ में रिवाल्वर लेकर वहाँ पहुँच गया। लड़का हमारा बोला कि बाबू जी आगल बाबू मार दी गोली, तो गोली ने लाठी लगे तो गुदाई ले लो, हम लाठी से मारो बाएं पुछे बाएं से गिर जाएगी, पिस्तौल छीन ले और तू पास से मामला मुझे खदा से मैं कटिया मार रहा धार से। तो आपने आवेदन दिया तो पुलिस उसमें क्या कार्रवाई की? आया देकर चला गया, बोला तू तो खाइए, बोलता गया रिकॉर्डिंग कर दिए, हम ये मोबाइल से रेटिंग करेंगे प्रणाम का कर। हम बताते हैं, हमारा पहले इसमें ले लीजिए, बोलिए अब बोलते वो जो कोठी वाली 10 नंबर का वार्ड है, वार्ड आ गया मैया देवी, वो आई तो पुलिस सामने क्या बोलता है लड़का है। हाँ सर जी हम लोग निकल हम लोग कनी वैल्यू करेंगे ना, तो उसका बिहाने भैया ये हमारा भीम भतीजा है, उसको लाठी लेकर काटा लगा पड़िया मारने के लिए, यहाँ पे खटिया है, यहाँ पर उसको मारने पड़िया खटिया पर काटा लेके गाँव लेकर यही खटिया पर खटिया लगी खटिया पर उसको मारने पड़िया। हाँ हम पैर से लता रहे दस ग्राम से, हम चल रहे दम से 10 दिन आए खेत में मारे गए रहने जय रामू रामू है ना, उनका बोले उनको मारो मुआ दो, आप पैसा देंगे हम ये करेंगे। कोठा वाले पिछड़ा है ये क्या बोलता है कि हमारे पास पैसा है? पैसा मैं दूंगा, पैसा जितना लगे हम दूंगा, ये कहता है चाकू दा मिला है, घंटा में सब मिला है, पुलिस सब मिला है। अब से कब मिलल भैया खून लगा के दो आदमी पकड़े गए, उनको पाप अभिषेक और रामछा पकड़ गए, और उसका बेटा है क्या बोलते हैं बेटा उनका है अभिषेक राम अभिषेक राजभर राजभर हाँ राजभर उसका एक पुलिस इधर दाग लगे इधर इधर पुलिस अभिषेक राजभर पिता पिता का नाम है रामछा पिता भी उनका पंकज पकड़ नहीं है पूछ रही है इन दोनों लोग को पुलिस पकड़ाई अभिषेक और जो टोला पे जो बैठा के लेके आए उनको मोटरसाइकिल से टोला पे गई था ना गाड़ी फूटा है कोई का ओकर घर में जाकर डरा रहा कोई कोई लेके मोटरसाइकिल लेके गया ये से बैठा के राती का लेके गया। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? पद का नाम है ये कले का भाती जवाब है वो आप ही के गांव के हैं? आप ही गांव के? अरे बाबू बाबू
वो बोला के ले गए उधर से गए तो दुकान पे क्या कुछ किया मतलब का किया वो हमको मालूम नहीं है। हम तो गए उनको दुकान पे गए बोला अभी जस्ट गए उधर से जस्ट गए बोला बाबा आए थे बोला आए थे अभी यहाँ बैठे नहीं तुरंत चले गए तुरंत आते पर हमको बोले यहाँ पे दुकान था वो पूछा बोला पापा तुम्हारा अभी गए अभी आते गए तो वहाँ पे मैं दौड़ गया तो हम बोले पापा का हार्ट प्रेशर इसलिए खाते पे रखे वो जिंदा हो गए। वो देखा था मुंह पूरा बांध दिया पूरा मुंह बांध कर ये पूरा इस फाड़ पूरा काट दिया पूरा गिरा दे मार के गिरा दे काट दो ने पूर्व में भी ननी से विवाद चलत रहलो। हां साल भर से बोल क्या चीज का विवाद हो रहा था आपने क्या चीज का किस चीज का विवाद था याद रहला नू भैया गुमटी रहा है तो घूमती रहा ना तो एक बहन भी आए भाई घर में एक बेटी लेके आई लेके खेला तो झूठा ले गए अपने घर में खेलाए थे घूमती तो हर एक मर दिन मेरा भी हर एक चले है कमलेश बोल गाय जो है चले भाई जो है चले दुई के आई हमारे भाई हमारे गाँव रहना हमारे गाँव में पुलिस कहे लगल जे इतना गांव बा रहता बीच में बा इतना कस्ती गांव बा हम पुलिस से आनी कहले पुलिस जे एथि केहू ना देखेगा घर से लेके के कट देली हां केहू लेके जाइत ना देखली लड़का ये हटा के इनका जाम लगा दे दिया हमारे भाई दो दिन से और गए मठिया मटर हुआ था मठिया मटर मठिया मटर बोलता था भाई ये दो दिन से बात हमारी गांव में ये पूरा रिपोर्ट दिया सब सब दिया है ये जो लड़का का अपहरण भइले छोटका का हम गुंडा बोला ले बाद हम मरवा ले मामू लाला गाड़ी पे के वही चला के क्या पढ़ी ने से वजह से जा वरना मैं को के।